गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंड में कोई समस्या है, इसलिए हो सकती है आपको असुविधा हो सकती है आवाज में, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आप तक जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में, यानी कि मस्तिष्क उद्वेलन या मस्तिष्क विप्लव क्या होता है। पिछली कक्षाओं में हमने इस बात को लेकर काफी चर्चा किया कि मस्तिष्क उद्वेलन एक टीचिंग मेथड है और यह एक नवीन इनोवेशन है टीचिंग स्किल के अंतर्गत, और इसके माध्यम से या इस मेथड के माध्यम से हम बच्चों में उनकी मानसिक योग्यताओं का विकास करते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी का विकास करते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस का हम सृजन करते हैं। ये तमाम सारी बातें इस मेथड के अंतर्गत बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाता है या बच्चों को उनके अंदर इस स्किल का डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। तो हमने इनके इंट्रोडक्शन, इनके मीनिंग के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की। आज हम देखेंगे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के इनके गुण एवं दोष क्या है। इनके हम गुण के बारे में पहले जानते हैं, तो इनके गुण के बारे में हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेकर स्वयं अपने प्रयत्नों से समस्या समाधान का प्रयास करते हैं। रटे रटाए विचारों तथा समाधान को अध्यापक द्वारा उन पर थोपा नहीं जाता है। कहने का मतलब है कि विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेकर, हमने आपको बार बार इस चीज का जिक्र किया है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षण कौशल को बेहतर बनाने के लिए, प्रभावशील बनाने के लिए आपको सिखाया जाता है। और जब आप इस चीज को सीखेंगे तो फिर विद्यालय में जाकर बच्चों के अंदर इस मेरिट्स को आप क्या करेंगे, इस स्किल को, इस गुण को आप क्या करेंगे, डेवलप करने का प्रयास करेंगे इस माध्यम से। इसमें क्या होता है कि जब हम ग्रुप बांटते हैं 10 बच्चों का ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड की विधि को अपनाने के लिए, उस विधि पे हम शिक्षण कार्य आगे बढ़ाने के लिए जब हम करना चाहते हैं, तो उसमें हम जब बच्चों का ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप के अंतर्गत क्या होता है कि हम अपनी टॉपिक रखते हैं, अपनी समस्या रखते हैं, और समस्या का समाधान के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, क्या क्या विधि हो सकता है, हम बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं। किस मेथड के जरिए तो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन या मस्तिष्क विप्लव जिसे हम कहते हैं, किस मेथड का नाम है। तो इस जब हम ये मेथड का हम शिक्षण में प्रयोग करते हैं और जब हम बच्चों के ऊपर प्रयोग करते हैं इस मेथड का, तो एक नया मेथड जब बच्चों के सामने आता है तो वो सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? वो सक्रिय होते हैं। और इस मेथड का उद्देश्य है बच्चों के मानसिक स्तर का विकास करना, उच्च मानसिक योग्यता का भी विकास करना, आत्म सम्मान का विकास करना, कॉन्फिडेंस का विकास करना। तो ये सारी बातें जो है इनके गुण के रूप में आते हैं।
और इसमें हम जो सीखते हैं, बच्चों को सिखाने का जो प्रयास करते हैं इस मेथड के जरिए, वो यह है कि वो रटे रटाए उत्तर तैयार नहीं करते हैं, बल्कि एट ए टाइम उस क्वेश्चन को दिया जाता है और उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उनको स्वतंत्र रूप से समय दिया जाता है और स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रखने का समय दिया जाता है, स्वतंत्रता होती है। और अध्यापक जो है अपनी बात को छात्रों के ऊपर, अपने विचारों को बलपूर्वक थोपेंगे नहीं, उन पे प्रभाव नहीं डालेंगे, बल्कि वो अपने टॉपिक का आंसर देने के लिए, प्रश्न का आंसर देने के लिए वो स्वतंत्र है। तो इसका एक जो हमें गुण जो अभी हमने डिस्कस किया है, तो ये क्लियर होता है कि हम रटे रटाए इस मेथड के जरिए हम रटे रटाए बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके गुण के बारे में हम जान रहे हैं कि रटे रटाए बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे खुद स्वतंत्र होकर अपने मानसिक योग्यता का उपयोग करके, प्रयोग करके अपनी बातों को रखते हैं, उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इस विधि में विद्यार्थी को सोचने, विचारने, विश्लेषण एवं संश्लेषण करने तथा निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता को विकसित करने का भली भांति अवसर मिलता है। कहा जा रहा है कि इस विधि में, इस मेथड में, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में विद्यार्थी को सोचने, विचारने, विश्लेषण संश्लेषण करने का जो होता है, क्या होता है, समय दिया जाता है ना, तथा निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता विकसित करने का हम उनके अंदर स्किल डेवलप करते हैं। जब हम किसी समस्या को टॉपिक के रूप में रखते हैं और जब बच्चे उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं और जब दो ग्रुप में ये डिबेट चलता है, तो सभी लोग अपनी बात को रखते हैं और उस बातचीत के दौरान, उस वार्तालाप के दौरान, जब हमारा समय, जो निर्धारित समय होता है इस मेथड का, तो उससे जो निष्कर्ष निकलता है, हो सकता है कि उसमें हमारा इस प्रश्न का, समस्या का उत्तर निकले, समाधान निकले। तो यही जो है इसमें, इस मेथड के द्वारा जो है बच्चों को हम बताने का प्रयास करते हैं, उनके अंदर ये कौशल विकसित करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम बच्चों में उनकी तार्किक क्षमता को, उनकी मानसिक योग्यता को हम बढ़ा सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। उसके बाद है, इस विधि का सबसे बड़ा लाभ है विद्यार्थियों की सृजनात्मकता और रचनात्मक क्षमताओं के उचित निदान को लेकर है। कहने का मतलब है, जब आप किसी को उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं देंगे, कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, तो फिर वो बच्चा खुद से अपने सोचने की क्षमता से, अपने बौद्धिक स्तर से उसका प्रयास करेगा उस समस्या का समाधान करने का। तो जो भी मान लिया जाए, आप नेशनल एकेडमी जो दिल्ली में जो ललित कला एकेडमी है, ललित कला अकादमी है, उसमें नाट्य सिखाया जाता है, ड्रामा का जो कोर्स होता है, तो उसमें जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, जब आप नामांकन के लिए जाएंगे ड्रामा में, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, जब आपकी काउंसलिंग होती है, तो उसमें आपको कुछ बेस्ट मटेरियल दिया जाता है। ग्रेजुएशन के बाद की जो ये प्रक्रिया होती है, उसमें जाएंगे एडमिशन के लिए, तो उसमें बेस्ट मटेरियल दिया जाता है और उनसे उसको कुछ बनाने के लिए बोला जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि आप एट ए टाइम किसी बेकार चीज़ जो पड़ी हुई है, उनसे आप क्या बना सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, कम समय में क्या बेहतर कर सकते हैं। तो उसी तरह से इस मेथड के माध्यम से हम बच्चों के अंदर एक कौशल विकसित करना चाहते हैं, उनके अंदर सृजन करने की क्षमता, इनोवेशन करने की क्षमता हम विकसित करना चाहते हैं। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मेथड है हमारा टीचिंग स्किल के दौरान, हम इस मेथड के माध्यम से बच्चों के अंदर सृजनात्मकता का गुण हम विकसित करना चाहते हैं। ये इनके गुण हैं, किनके, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मेथड है हमारा, हम इनके गुण की बात कर रहे हैं।
उसके बाद जो है जो हमारा फोर्थ नंबर है, इस विधि में शिक्षण अधिगम का आयोजन स्मृति एवं बोध स्तर के स्थान पर चिंतन स्तर पर संपन्न होता है। कहने का मतलब है कि हम इस पर यह जो मेथड है, इसका जो हम इस मेथड का जो उद्देश्य है, बच्चों में क्या हम डेवलप करना चाहते हैं, चिंतन स्तर पर जो है संपन्न होता है। यानी कि जब हम बच्चों में जब किसी समस्या के प्रश्न हम रखते हैं और उन्हें उनका समाधान उनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं, तो बच्चे अपनी तर्क क्षमता से अपनी चिंतन से अपनी बुद्धि से क्या करते हैं, उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो उनके अंदर खुद से जो करने की जो क्षमता विकसित होगी वो उन्हें आने वाले समय में उनके लिए एक अच्छा कर सकते हैं कि उनको जो है आने वाले समय में अपनी ये इस क्षमता का जो विकास करेंगे, बचपन से ही छोटी सी क्लास में ही ये क्षमता का विकास करेंगे तो उनके लिए बहुत उपयोगी होगा और आने वाले जीवन में जो उनके जो समस्याएं होगी उन समस्याओं को अपने इस शिक्षण कौशल से समाधान कर सकेंगे। तो हम ब्रेन एस्ट्रोनॉमी की जो एडवांटेज होती है, ब्रेन एस्ट्रोनॉमी की जो एडवांटेज होती है, जो इनके गुण होते हैं, इनके लाभ जो हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस विधि में शिक्षण अधिगम का जो आयोजन स्मृति एवं बोध स्तर के स्थान पर चिंतन स्तर पर संपन्न होता है तथा विद्यार्थी को अपने विचार का समाधान करने खुलकर बिना किसी संकोच के प्रकट करने का अवसर दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि इस मेथड के जरिए जो उनके गुण के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इनमें क्या होता है, एक आपके ऊपर संकोच जो होता है, आप में जो हेजिटेशन होती है, उस हेजिटेशन को हम इस मेथड के माध्यम से बच्चों के अंदर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल दूर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलने से कतराते हैं, किसी प्रोग्राम में भाग लेने से कतराते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो इस मेथड के जरिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के जरिए हम बच्चों में क्या कर सकते हैं, आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं, उनमें बोलने की क्षमता विकसित कर सकते हैं, उनके अंदर समूह में ग्रुप के अंदर लीड करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। तो ये हमारा जो ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो मस्तिष्क उद्वेलन या मस्तिष्क विप्लव की जो हम मेथड कहते हैं, उस मेथड के अंतर्गत इनके जो लाभ हैं, इनके जो गुण हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस विधि में पांचवा जो हमारा विधि होता है, इस विधि में विद्यार्थी एक समूह के रूप में एकत्रित होकर विचार विमर्श द्वारा किसी समस्या समाधान के लिए कार्य करते हैं। इस मेथड का एक और हम लाभ कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा लाभ कर सकते हैं कि इसमें समूह का निर्माण होता है, टीम का निर्माण होता है, और जब हम टीम का निर्माण करेंगे तो सभी की विचार सहमति होंगे और हम किसी भी कार्य को टीम वर्क की भावना से जब करेंगे तो सभी का सहयोग मिलेगा। तो इसमें एक प्रजातांत्रिक जो वातावरण मिलेगा, सहयोगात्मक जो वातावरण बनेगा, इस मेथड के अंतर्गत हम बच्चों में हम इन सारे गुणों का हम विकास कर सकेंगे तो ये हुआ मेरिट्स एंड एडवांटेज ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग के जो हमने डिस्कस किया। वीडियो की लिमिटेशन है, इसलिए वीडियो यदि ज़्यादा MB की होती है तो वो अपलोड नहीं हो पाती है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक को लेकर चलेंगे। आज इनके हम गुण बता दिए, नोट्स के द्वारा आपको हम इसके दोष भी प्रोवाइड करेंगे और समय रहते हम इस चीज़ को पूरी जो अपनी जो सिलेबस है उस चीज़ को हम भी कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।